आशा तो गुरुदेव की दूजी आस निरास, पानी में घर मीन का क्यों मरे प्यास। मुदित जी का सवाल है कि अष्टावक्र जैसे ज्ञानियों ने कहा है कि आशा ही परमम दुखम, और दूसरी ओर कबीर कह रहे हैं कि आशा तो गुरुदेव की दूजी आस निरास, ये बातें तो विरोधी लगती हैं। आशा क्या आशा मन का विचलन नहीं है? और अगर है तो फिर ये कैसी बात कि आशा तो गुरुदेव की? मुझे जी आशा का दो तरफा आशय है, एक आशा होती है एक कामना होती है कि और इकट्ठा करता चला जाऊं, संसार से और ज्यादा पाता चला जाऊं। ये पैदा होती है इस भाव से कि कोई कमी है मेरे भीतर, केंद्र से छिटके हुए मन को ये एहसास तो होता है कि कुछ छूट गया है, कोई भूल हो गई है, कोई कमी आ गई है, ये एहसास तो उसे होता है। पर ध्यान की अनुपस्थिति में साफ साफ समझ नहीं पाता कि क्या गलती हुई, क्यों एक खालीपन सूनापन महसूस हो रहा है। कभी थोड़ा ध्यान दिया भी, कभी ये बात दिखी भी कि अपने घर से बिछड़ा हुआ हूं, तो भी श्रद्धा के अभाव में ये हिम्मत नहीं हुई कि कह सके कि घर वापस लौटना है। ऐसे मन के पास एक ही विकल्प रह जाता है कि अपने सूनेपन को संसार से भरे। सूनापन है, सूनेपन की स्पष्ट प्रतीति है, कुछ कमी है, जीवन में कुछ गायब है, बात पूरी बैठ नहीं रही है, कहीं कुछ है जो चुभ रहा है लगातार। भर भर के भी रिक्तता का अनुभव है, ये हो रहा है उसको, लेकिन इतना न उसमें ध्यान है न इतनी श्रद्धा है कि वो कहे कि जान गया कि वास्तव में किसकी कमी थी और उसकी ओर जाऊंगा। तो वो एक नकली तरीका निकालता है अपने सोनेपन को भरने का। वो कहता है हाँ ठीक, खाली जगह तो है दिल में, पर उसको मैं संसार से भर दूंगा। अब मुझे संसार से और बहुत कुछ चाहिए। ये पहले तरीके की आशा है। ये आशा कुछ पाने की है और पा पा करके स्वभाव से और दूर जाने की है।
ये आशा कुछ और नहीं करेगी, बीमारी बढ़ाएगी। इसी आशा के लिए अष्टावक्र कहते हैं कि आशा परम दुख है, आशा परम दुख है, ये पाने की आशा है। और आशा सामान्यतया पाने की ही होती है, लेकिन कबीर जैसे कुछ विरल लोग भी होते हैं जिन्होंने एक दूसरी आशा को जाना है। वो आशा है छोड़ने की। पहले प्रकार की आशा है कि घर से दूर हूं और दूर हो जाऊं। दूसरे प्रकार की आशा है घर से दूर हूं और पा पा के दूर हूं, इकट्ठा कर कर के, संचय कर कर के दूर हूं, खूब कमाई करी है मैंने, ऐसे दूर हूं। दूसरी आशा कहती है दूर हूं, उम्मीद है एक दिन लौटूंगा। दूर हूं, उम्मीद है एक दिन लौटूंगा, लेकिन ये आशा बड़ी दुसाध्य है, क्योंकि आशा का तो अर्थ ही होता है कुछ पाना, और ये जो दूसरी आशा है इसमें पाना नहीं खोना होता है। इकट्ठा कर कर के दूर हुआ हूं तो खो खो के ही लौटना पड़ेगा। जिन सब को मन में जगह दी, जो कुछ अपना माना, उसी ने तो मेरी ये गति कर दी है कि आज निरंतर एक खालीपन का एहसास होता है। ये बात आसान नहीं है जाननी, इसके लिए बहुत ध्यानी मन चाहिए और श्रद्धा से भरा हुआ हृदय चाहिए, जिसको ये साफ एहसास हो सके कि मेरे कष्ट मेरी अपनी कमाई है। मैंने ही जितने तरह की चेष्टाएं करी और दौड़ लगाई, उन्होंने ही मुझे यहां ला करके पटक दिया है। इसके लिए बड़ी सूक्ष्म बुद्धि चाहिए। स्थूल बुद्धि को तो यही रहता है कि जो कर करके बीमार हुए हो वही और करो तो स्वस्थ हो जाओगे। ये मूल बुद्धि का, स्थूल बुद्धि का तर्क है। वो कहता है कि जो कर करके बीमार हुए उसी को जरा और करो तो स्वस्थ हो जाओगे। ये निश्चित रूप से पागलपन का तर्क है। ये हमारी सामान्य आशा है। कि और पालूं कुछ, सामान्य आशा का अर्थ है और पालूं कुछ तो मन का छेद भर जाएगा, भरता नहीं ऐसे, और बड़ा होता जाता है। ब्लैक होल जानते हैं ना, उसमें जो डालिए वो उसी को खा जाता है। उससे हो करके रोशनी भी नहीं गुजर सकती और रोशनी को भी खा जाता है। मन ऐसा ब्लैक होल है और आशा उस बेवकूफी का नाम है जो कहती है कि मैं इस ब्लैक होल को भर दूंगा। और बहुत मजेदार बात है कि ब्लैक होल भी वैसे ही बनते हैं जैसे मन का होल बनता है। ब्लैक होल वो जगह होती है जहां पदार्थ इतने घनत्व में इकट्ठा हो गया है, डेंसिटी इतनी ज्यादा हो गई है कि उसका जो अब आकर्षण है, जो ग्रेविटी है,
वो असीमित हो गई है, वो सब कुछ खींच लेगी। जहां कहीं भी पदार्थ इकट्ठा होगा वो और पदार्थ को खींचेगा, हम जानते हैं ना, ये गुरुत्वाकर्षण का यही तो नियम है, पदार्थ पदार्थ को खींचता है। तो आपके जीवन में जितना पदार्थ उपस्थित होगा वो उतने ही और पदार्थ को खींचेगा। बीवी होगी तो गाड़ी चाहिए, बीवी ने किसको खींचा, गाड़ी को। गाड़ी है तो ड्राइवर चाहिए, ड्राइवर कई बार अपने साथ अपनी बीवी ले आएगा, हुआ है हमारे यहाँ ये। अब पदार्थ पदार्थ को खींच रहा है, एक बार एक मर रहा था मुनि, तो उसका एक शिष्य आया उसके पास, बोला महाराज आप मर रहे हैं, आपको बहुत कष्ट नहीं दूंगा, पर आपने जीवन भर में जो भी जाना है उसको बहुत संक्षेप में बता सकते हैं। तो मुनि बोलता है मरते मरते बिल्ली मत पालना। बिल्ली मत पालना, हैरान और मर गया। ये हैरान कि ये कौन सी जीवन भर की शिक्षा, ये कैसा सूत्र दिया है, बिल्ली मत पालना, बिल्ली मत पालना। फिर एक दूसरे सज्जन आए, उन्होंने कहा बताता हूं कहानी पूरी। ये अपना रहते थे खुले आसमान के नीचे, वृक्षों के नीचे बैठते थे, अपना चिंतन मनन करते थे, कुछ पढ़ते थे कुछ लिखते थे, ऐसे इनकी जिंदगी चल रही थी, मस्त थे। ये बैठे रहते थे तो एक चूहा आकर के कभी पीछे से इनका कोई लंगोटी में काट दे, कभी कुछ हाथ में लेके पढ़ रहे हैं तो उसको थोड़ा कुतर दे, तो बड़े परेशान हुए। तो इनसे जो लोग मिलने आते थे कभी कभार, उन्होंने कहा ऐसा करिए बिल्ली रख लीजिए, तो बिल्ली से ये चूहा आपके आसपास नहीं आएगा। तो उन्होंने कहा मैं कहाँ पाऊँ बिल्ली, तो लोग आ करके एक बिल्ली दे गए कि ये बिल्ली रखिए, इसके कारण चूहा आसपास नहीं आएगा। तो ठीक है, बिल्ली रहने लगी। अब बिल्ली रहे तो अब उसे खाना भी चाहिए, उनके पास कहाँ कुछ खाना है देने को। तो लोग आते थे, लोगों ने सुबह शाम कुछ दूध दे जाएं, कुछ कर जाएं, पर लोगों पे कब तक आश्रित रहें। तो जो बिल्ली दे गए थे उन्होंने कहा ऐसा करते हैं महाराज आपको एक गाय भी दे देते हैं, तो गाय के दूध से बिल्ली अपना रहेगी और आपको भी दूध मिलता रहेगा। तो ठीक है ले आओ, तो एक गाय आ गई बंध गई। अब इनका समय बहुत लगने लगा, गाय की सेवा करो, उसको भूसा और खली और ये सब दो, नहलाओ हलाओ भी, दूध भी दो, फिर बिल्ली को खोजो उसे कटोरे में दूध रखो। कई बार बिल्ली का दूध चूहा पी जाए, तो ये सब झंझट देखो ताको। तो इनका जो समय था चिंतन मनन का, पठन पाठन का, वो इनमें जाने लगा। तो थोड़े परेशान हुए, लोगों ने पूछा महाराज क्या परेशानी है, तो बोले ये ऐसा ऐसा है, समय बड़ा खराब होता है गाय की देखभाल में, पर कोई बात नहीं, एक नौकरानी लगा देते हैं, वो सुबह शाम आया करेगी और गाय की सफाई वफाई करके, गोबर ओबर हटा करके, दूध दूध धो करके, भूसा वूसा दे करके चली जाया करेगी। तो वो आने लगी। अब महाराज जंगल में रहते थे, सुबह भी एक औरत आए, शाम को भी एक औरत आए, तो जो होना था वही हुआ। एकांत, चूहा बिल्ली गाय,
चूहा बिल्ली का खेल शुरू। गांव वालों को पता चला कि ये तो गाय बैल का मामला बन गया है। फिर उन्होंने कहा, महाराज क्यों बुढ़ापे में नाम खराब करते हो, इसे शादी ही कर लो। गांव की बेइज्जती हो रही है कि इस गांव के साधु संन्यासी ऐसे हैं। तो उनको और कहते, उनका ठीक है चलो कर दो, अब आती ही है वैसे भी, सुबह शाम रहती है, दिन भर भी रह लेगी, रात में भी रह लेगी, क्या दिक्कत हो गई, शादी हो गई। वैसे तो महाराज सन्यासी थे तो शरीर योग द्वारा हट्टा कट्टा था, बुढ़ापे में भी दो चार औलादें पैदा हो गईं। ये सब कर खुरा के मरते मरते तक महाराज पूरे गृहस्थ बन गए थे, पूरे गृहस्थ। पदार्थ पदार्थ को खींचता है, पदार्थ पदार्थ को खींचता है। एक कदम रखोगे अगला रखना ही पड़ेगा। तो सूत्रों का सूत्र है कि बिल्ली मत पालना। जिसने बिल्ली पाली वो पूरी दिल्ली पालेगा, सब खिंचा चलाएगा बिल्ली के पीछे पीछे। ये आशा है पहले तरीके की, कि चूहा है दुख दे रहा है तो क्या कर लो, भूल गए कि चूहे के होने से दुख है, बिल्ली के और होने से दुख कम नहीं होगा, दूना हो जाएगा। समझना बात को, दुख है चूहे के होने से, बिल्ली के होने से जो होनापन है वो शून्य नहीं हुआ, कितना हो गया, दूना हो गया। अब बिल्ली का होना है वो भी कष्ट दे रहा है तो क्या आ गई, गाय। भूल गए तुम कि बिल्ली के होने से कष्ट है, पर तुमने क्या किया, तुमने ये नहीं किया कि बिल्ली से मुक्ति पा लूं, तुमने क्या किया, तुमने कहा बिल्ली को पालने के लिए अब गाय भी चाहिए। ये हमारी सामान्य संसारी आशा है, थोड़ा है थोड़े की जरूरत है, कुछ है जिससे दुख मिल रहा है, कुछ है जिससे दुख मिल रहा है, तो बुद्धि ये नहीं चलती कि इसके होने से दुख मिल रहा है इसको ही हटा दो, बुद्धि ये चलती है कि ये अधूरा है और पालो ताकि ये पूरा हो जाए, और पूरा कभी होता नहीं, पूरा कभी होता नहीं। ये सामान्य आशा है जो कहती है और पालो और पालो। कबीर जिस आशा की बात कर रहे हैं वो पाने की आशा नहीं है, वो आशा कहती है जो है वही तो दुख है, उसको हटा दो, उसको हटा दो। इसीलिए कह रहे हैं कि आशा तो गुरुदेव की दूजी आस निरास। गुरु का तो काम ही है छीन लेना, हटा देना, देता कहाँ है, उसका तो काम ही है खत्म कर देना ना। तुम अपनी गाड़ी लेके उसके पास जाओगे, कहोगे दो टायरों में पंचर है, दो टायर अभी चल रहे हैं, तो जो टायर अभी दो चल रहे होंगे वो जाके उनमें सूजा घुसेड़ देगा, देखा ठीक हो गया इलाज। तुम शायद ये सोच के गए थे कि जो दो टायर पंचर हैं वो उनका कुछ इलाज करेगा, वो कहेगा ना 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 ना, गलती रोग उन दो टायरों में नहीं है जो पंचर हो गए, तुम्हारा रोग है ये दो टायर जो अभी पंचर नहीं हुए हैं, तो मेरा काम है इन दो टायरों को भी खत्म कर देना, अब तुम मुक्त हो, अब तुम मुक्त हो, अब पूरी दुनिया तुम्हारी है, कहां हाईवे पे फंसे हुए थे।
बात समझ में आ रही है? गुरु पंचर मैकेनिक नहीं है कि तुम वहां पहुंच जाओ, उसके पास अपने फटे हुए टायर लेके और बैठ के सिल रहा है। उसका तो काम है कि जो तुम्हारी चलती हुई गाड़ी है उसको बिल्कुल खत्म ही कर दे। वही तो दुख है तुम्हारा, वही तो बिल्ली है, वही तो गाय है, वही तो गोबर है, उसी के बोझ तले तो मर रहे हो। जब तक तुम्हारी गाड़ी में आग नहीं लगेगी तुम जमीन पे उतरोगे कैसे? और गाड़ी भी ऐसी ही है, सबकी ऐसी ही होती है, दो टायर चल रहे हैं, दो टायर घिसट रहे हैं, किसी तरह से खींच रहे हो, सबकी गाड़ी ऐसी होती है। तो कहावत है ना कि गृहस्थी की गाड़ी में चार पहिए होते हैं, उसमें आधी बात कही नहीं गई जिसमें से दो पंचर होते हैं और खींच रही है। कभी गाड़ी चलाई है? पंचर कितना आनंद है उसमें, खींच रही है। गुरु का काम ये नहीं है कि उसकी रिपेयर कर दे। तो दो तरह की आशाएं, दूजी आस निराश। दूजी आस से तो निराश हो जाना है, दूसरी आशा छोड़ देनी है। दूसरी आशा कौन सी? वही कि बिल्ली है तो गाय पालो। दो प्रकार की आशाएं हैं, उस प्रकार की आशा को छोड़ देना है। एक ही आशा रखनी है कि मुक्त हो जाऊं, हल्का हो जाऊं। गुरु दो काम करता है, एक तो ये कि जो तुम इकट्ठा करके बैठे हो उससे तुमको मुक्त कर देता है, और दूसरा काम कि पानी में घर मीन का क्यों मरे प्यास। वो तुम्हें ये स्पष्ट एहसास भी दिलाता है कि तू क्यों इकट्ठा कर रहा था। जो महत्वपूर्ण है वो तुझे मिला ही हुआ है, पानी में घर मीन का क्यों मरे प्यास। तेरी सारी प्यास झूठी है, तेरा ये इकट्ठा करना ही तुझे ये भ्रम दे रहा है कि तू प्यासा है। तू प्यासा है ही नहीं, ये सब छोड़ के देख। तुझे जरूरत ही नहीं है ये सब। प्रपंच जुटाने की, पानी में घर मीन का क्यों मरे प्यास, क्या जरूरत क्या है ये सब करने की? ठीक ठीक बता क्या कमी आ जाएगी, ये ना हो तो क्या कमी आ जाएगी, और ठीक ठीक बता कि इन सबके होने से तुझे मिला क्या है। सिर्फ इतना हुआ है कि तुझे आदत लग गई है, आदत की बात है और कुछ भी नहीं है। जिसको आप कहते हैं मेरा जीवन, वो सिर्फ एक आदत है, एक लंबी चौड़ी आदत। उसमें मिल कुछ नहीं रहा है, कोई शांति नहीं है, कोई प्रेम नहीं है उसमें, बस आदत है। कुछ चीजें हैं उनके प्रयोग की आदत है, कुछ चेहरे हैं उन्हें देखने की आदत है, कुछ विचार हैं उन्हें सोचने की आदत है, बस आदत है। और आदत में कोई सत्य तो होता नहीं, एक मनोस्थिति है। जब तक है तब तक बड़ी भारी लगती है, जब नहीं है तो कहोगे अरे इसमें फंसे हुए थे। इसमें तो कुछ था ही नहीं, क्यों फंसे हुए थे? आदत।
गुरु की एक बड़ी अच्छी परिभाषा हो सकती है, कौन गुरु? जो आदत से मुक्ति दिला दे, आदतों को तोड़ दे। और याद रखना, हर आदत के साथ तुम थोड़ा थोड़ा टूटते हो, आदत यूं ही नहीं जाती, क्योंकि तुम और कुछ हो ही नहीं, तुम सिर्फ आदतों के पिंड हो। तुम जिस भी बात को अपना कहते हो, जिसके साथ तुमने अपने आप को परिभाषित किया है, वो तुम्हारी एक गहरी आदत है। आदत के साथ तुम भी जाओगे, और तुम्हारे जाने का अर्थ है केंद्र की ओर वापस आना। तुम कहते हो मैं आक्रामक हूं, ये आक्रमण ही हटना होगा, ये गया नहीं कि तुम्हें मुक्ति मिलेगी, यही तो बोझ है तुम्हारा। तुम कहते हो तुम्हें किसी के मोह में, लगाव में पड़े हो, बस वहीं वहीं फंसे हो, उसी को जाना होगा, वो गया नहीं कि मुक्त हो जाओगे, वही बीमारी है तुम्हारी। तुम कहते हो बड़े ज्ञानी हो, जान गए हो, दूसरों को बताने में बड़ा रस है तुम्हारा, वहीं 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 चोट करनी होगी, ये आदत टूटेगी नहीं कि तुम मुक्त हो जाओगे। तुम कहते हो ना, मैं तो एकांतवासी हूं, ज्यादा बोलता चलता नहीं, मैं तो चुपचाप रहता हूं, अंतर्मुखी हूं, ना यही रोग है तुम्हारा, यही टूटेगा और मुक्त हो जाओगे। अपनी मोटी मोटी सबसे बड़ी बड़ी आदतों को पहचान लो और निर्मम होके उन्हें तोड़ डालो, यही मोक्ष है, इससे अलावा कुछ नहीं। लेकिन बड़ा मुश्किल होगा खुद तोड़ पाना, क्योंकि तुम ही कौन हो? आदतों के पिंड। अब आदत आदत को तोड़ दे बड़ा मुश्किल होता है, इसीलिए गुरु की जरूरत होती है। अपने करे तुम तोड़ नहीं पाओगे। ऐसी सी ही बात है कि तुम कहो इस हाथ से कि अपने आप को हरा दे, तुम करोगे नहीं, न करने की तुम्हारी सामर्थ्य होगी न इरादा। पहले तो इरादा ही नहीं बनेगा, इरादा कभी बन भी गया तो पाओगे कि सामर्थ्य नहीं है। गुरु इसीलिए चाहिए, प्यारा नहीं होता है गुरु, कसाई जैसा ज्यादा होता है, क्योंकि उसका काम ही है कि जो टायर अभी चल भी रहा है उसे ही पंचर करो। इसी टायर ने तो उम्मीद बांध रखी है कि शायद बाकी दोनों भी ठीक हो जाएं। दो टायर पंचर हैं, दो अभी चल रहे हैं, इन्हीं दो की वजह से तुमने बड़ी उम्मीदें लगा रखी हैं कि एक दिन होंगे कामयाब, एक दिन। आज दो टायर हैं, कभी चार भी होंगे। ये दो हटा दो, चार की उम्मीद अपने आप खत्म हो जाएगी, फिर ठीक हो जाओगे। लोग 99 के फेर की बात करते हैं, 99 का फेर होता है कि 99 मिल गए तो एक और चाहिए, ना फेर 99 का नहीं होता, फेर एक का होता है। ये ना कहो कि 99 मिल गए हैं तो गलती हो गई, ये एक का मिलना ही गलती है। जिसको एक मिला हुआ हो उसे छीन लो एक, वो फिर मुक्त हो जाएगा, खुश, आप ठीक है। पानी में घर मीन का क्यों मरे प्यास। जिस समय मछली से मिनरल वाटर की बोतल छीनी जाती है, उस समय तो मछली को यही लगेगा कि बड़ा कमीना था, मैंने जिंदगी भर मेहनत कर करके ये मिनरल वाटर कमाया था, और गुरु का बच्चा दो चार गालियां जोड़ लो। मेरी 100 मिलीलीटर की कमाई छीन ले गया, अब मैं पीऊंगी क्या?
तो तब तो कसाई जैसा ही लगेगा। छिनने के बाद जब बेसहारा हो जाओगे, निरुपाय हो जाओगे, कहीं और से पानी मिलेगा ही नहीं, तब तुम्हें ऐसा लगेगा कि मौत खड़ी है सामने। तुम्हारे विचार तुमसे यही कहेंगे कि जो कुछ मेरा था वो तो सब छिन गया, मैं बचा ही नहीं, मौत खड़ी है सामने। तुम आंख बंद कर लोगे, मौत के लिए तैयार हो जाओगे कि सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। जोर से रोओगे, सब खत्म हो गया। आंख बंद करके प्रतीक्षा करोगे, अब मरा, अब मरा, अब मरा, अब मरा। फिर वक्त बीतता जाएगा, तुम कहोगे मर क्यों नहीं रहा, आंख खोलोगे कहोगे मरा नहीं, मिनरल वाटर की तो जरूरत ही नहीं थी, व्यर्थ ही कमा रहा था, पानी में ही तो था। ये नया जीवन है, अब तुम द्विज हुए। पुराना तो मर ही गया, सही में मर गया। पुराना कौन था? पुराना वो था जिसे समुद्र में रहते हुए भी बोतल में बंद पानी की आवश्यकता थी, वो तो मर गया, वो सही में मर गया। अब ये नया जन्म, ये वो है जो अब वो सब चाहता ही नहीं जिसके पीछे तुम पागल थे। लेकिन इसके लिए मृत्यु तुल्य कष्ट से तो गुजरना ही पड़ा। श्रद्धा जितनी ज्यादा होगी कष्ट उतना कम होगा। श्रद्धा होती है तो यही कहती है कि जो छीन रहा है वो हितैषी है मेरा, इस छीनने में भी मेरा कुछ भला ही होगा, नहीं तो छीनता नहीं। श्रद्धा का इतना ही अर्थ है। श्रद्धा का इतना ही अर्थ है, श्रद्धा का इतना ही अर्थ है कि मैं जाकर के गुरु की गर्दन न पकड़ लूं। उपनिषदों में शांति पाठ है जिसमें गुरु और शिष्य मिल करके प्रार्थना करते हैं कि हम में एक दूसरे के प्रति द्वेष भाव ना आए, और गुरु से ज्यादा द्वेष भाव तुम्हारे मन में किसी के प्रति आएगा नहीं। तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारी कार के टायर पंचर किए जा रहे हैं, तुम्हारी इच्छा तो यही होगी कि इस आदमी को आज यहीं पे खत्म ही क्यों ना कर दूं, मेरी बरसों की कमाई इसने पंचर करा। और दूसरी बात, धोखा दिया। मैं किस लिए इसके पास आया था? मैं सुख मांगने के लिए इसके पास आया था। और इसने ये दिया मुझे, धोखेबाज। जरूर जलता है मुझसे, इसके अपने पास तो कार है नहीं, मेरी कार से जलता है। खुद ना बीवी है ना बच्चे, मेरी छुड़वा रहा है। ईर्ष्या है और कुछ नहीं। जब कार जाती है तो दुनिया खुल जाती है। देखो, जब लाओत्ज़ू तुम्हें समझाता है ना कि यूजलेस हो जाओ, तो उसका मतलब समझना, बेकार हो जाओ। वो बात बहुत गहरी है, सूत्र पकड़ा नहीं लोगों ने। बेकार हो जाओ, दो टायर पंचर है, बाकी दो में आग लगाओ, छोड़ो उसे।